गाइस यार आज का दिन क्या ही ज्यादा मस्त है, और आप बाहर का वेदर देखो, ये कितना ज्यादा सुहाना लग रहा है। अगर यार आज का मेरा सपना सच हो गया तो यार मजे ही आ जाएंगे। वैसे सिंचन पिंचन कहाँ पर है? ओए सिंचन पिंचन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे फ्रैंकलिन भैया, आज तो हमारे मजे ही हो गए, और आपको पता है हमारे पास एक गुड न्यूज है। अरे सिंचन पिंचन, तुम इतने ज्यादा खुश क्यों हो रहे हो? और गाइस ये देखो, ये पिंचन तो नाच रहा है। वैसे सिंचन, ये गुड न्यूज क्या है? अरे फ्रैंकलिन भैया, आज हमारी सिटी में एक जायंट स्पाइडर मैन आ रहा है, और उसके तीन तीन सिर हैं। अरे यार ये तुम क्या पागल हो चुके हो, हमारा कोई ऐसा स्पाइडरमैन नहीं है, और ये सभी बातें तुम्हें बता कौन रहा है? अरे फ्रैंकलिन भैया, अभी हमारे पास टोनी भैया का फोन आया था, और उन्होंने ही हमें ये बात बताई है। अरे यार अगर तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो तो मुझे पहले ही बता दो, पिछली बार भी गाइस ये पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। पिछली बार ये बोल रहे थे कि यार इन्होंने उड़ता हुआ कुत्ता देखा, ये भी कोई बात हुई? सिंचन पिंचन, मैं तुम्हें पहले ही बोल रहा हूँ, अगर ये न्यूज गलत निकली तो मैं तुम्हें बहुत ही मारने वाला हूँ। अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया, ये न्यूज बिल्कुल ही सच है, चलो ना हम उसे देखने के लिए चलते हैं। तो चलो गाइस, अगर ऐसी बात है तो हम भी हमारी जायंट स्पाइडरमैन को देखने जाएंगे। और वैसे यार मुझे जायंट स्पाइडरमैन का पता तो मालूम नहीं है, लेकिन हम इसके लिए हमारे अवेंजर्स की हेल्प लेने वाले हैं। वैसे सिंचन पिंचन, तुम भी जल्दी जल्दी बाहर आ जाओ। तो चलो गाइस हम यहाँ पर आते हैं। ओबे यार ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड लग रहे हैं, ये तो मुझसे पहले ही गाड़ी में बैठ गए। तो चलो गाइस अभी हम जायंट स्पाइडरमैन के पते पर जा रहे हैं। वैसे सिंचन पिंचन, आयरन मैन ने तुम्हें बताया था कि वो कहां पर आ रहा है? अरे नहीं फ्रैंकलिन भैया, हम इतने ज्यादा एक्साइटेड हो गए कि हमने पहले ही फोन रख दिया। यार सिंचन पिंचन तुम कितने बड़े बेवकूफ हो, गाइस हमारी सिटी में जायंट स्पाइडरमैन आ रहा है, और इन्होंने वो भी नहीं पूछा कि यार वो कहां पर आ रहा है। तो चलो कोई नहीं यार, अभी हमारे सभी अवेंजर हमारे जायंट स्पाइडरमैन की वेलकम में लगे होंगे, इसीलिए अभी मुझे कोई यार अवेंजर को ढूंढना है, और वो कहां पर हो सकता है। चलो गाइस मुझे लगता है कि यार हमें हमारा पहला अवेंजर तो मिल चुका है, और ये तो हमारा थोर है। सिंचन पिंचन तुम भी गाड़ी से उतरो। हेलो थोर, तुम यहां पर कर क्या रहे हो? ओडिन की कसम फ्रैंकलिन, मुझे तुम्हें देखकर यहां पर बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। अरे हाँ यार मैं भी तुम्हें देख के बहुत ही ज्यादा खुश हुआ, लेकिन ये तो बताओ तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? फ्रैंकलिन, हमारी सिटी में एक जायंट स्पाइडरमैन आ रहा है, और मुझे उसी के वेलकम के लिए भेजा गया है। अरे गाइस इसका मतलब कि ये दो बेवकूफ जो बोल रहे थे वो बिल्कुल सच है। वैसे थोर वो स्पाइडी आने कहाँ पर वाला है? फ्रैंकलिन मुझे ये तो मालूम नहीं है, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि वो स्पाइडरमैन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा। अरे हाँ यार, जिस स्पाइडरमैन के तीन तीन सिर होंगे और वो एक जायंट स्पाइडरमैन होगा, उसके पास यार सबसे ज्यादा ही खतरनाक वाली पावर होंगी। वैसे थोर हम भी यार उस स्पाइडी को देखना चाहते हैं, इसीलिए यार उसका थोड़ा बहुत क्लू तो हमें दो। अरे फ्रैंकलिन मुझे ये तो नहीं पता कि वो स्पाइडी आने कहाँ पर वाला है, लेकिन मैं तुम्हारी इस कार को अपग्रेड कर दूंगा, और ये कार तुम्हें उस जायंट स्पाइडी के पास पहुँचा सकती है। तो चलो सिंचन पिंचन, तुम यहाँ पर ऐसे ही खड़े रहो, मैं इस गाड़ी को अपग्रेड करता हूँ। 3, 2, 1, वो सो ऑसम गाइस, यार ये देखो हमारी गाड़ी अभी अपग्रेड हो चुकी है, और हमारा थोर यार गॉड ऑफ थंडर है, इसीलिए ये देखो इसका कलर भी ब्लू हो चुका है। तो चलो थोर यार, मैं तुमसे थोड़ी देर बाद मिलता हूँ। अरे थोर भैया, अब हमारे फेवरेट सुपर हीरो हो। ओए सिंचन, अगर तुम्हारा मक्खन लगाना हो चुका हो तो चलो अभी हम यहाँ से निकलते हैं। एंड गाइस यार ये गाड़ी देखने में अभी क्या ही मस्त लग रही है, अभी ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल भी हो चुकी है। तो चलो एक बार हम इसकी स्पीड टेस्ट करते हैं, और इसके साथ ही हम अपने जायंट स्पाइडरमैन को भी ढूंढने चलेंगे। भाई साहब अभी इसमें नाइट्रो भी आ चुका है, शीट मैं इसकी टक्कर ना करवा दूं, और ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुकी है लिटरली गाइज। इसीलिए बोलते हैं कि जो हमारा थोर है वो सबसे पावरफुल अवेंजर्स में से एक है। तो चलो यार अभी हमें यहाँ पर ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए, और अभी हमें जल्दी से अपने अगले अवेंजर के पास चलना चाहिए, हो सकता है कि यार शायद वो हमारे जायंट स्पाइडरमैन की लोकेशन जानता हो। तो चलो अभी हम उनके पास चलते हैं। अरे सिंचन पिंचन, ये गाड़ी मुझे बता रही है कि यार हमें यहीं कहीं पर स्पाइडरमैन मिलने वाला है। हेलो स्पाइडी, क्या तुम हमारी आवाज सुन पा रहे हो? मैं फ्रैंकलिन हूँ। अरे ये फ्रैंकलिन की आवाज कहाँ से आ रही है? शायद फ्रैंकलिन मुझे बुला रहा है, चलो मैं अभी उसके पास चलता हूँ।
लेकिन फ्रैंकलिन यहाँ पर क्या करने आया होगा? वैसे भी अभी हमारी सिटी में जायंट स्पाइडरमैन आने वाला है। अरे फ्रैंकलिन, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे स्पाइडी, हमें पता लगा है कि यार हमारी सिटी में एक जायंट स्पाइडरमैन आने वाला है, क्या तुम्हें उसके बारे में पता है? अरे हाँ फ्रैंकलिन, मैं जानता हूँ कि वो स्पाइडी आ रहा है और मैंने ही उसे यहाँ पर बुलाया है। अरे यार, ये तो बहुत ही ज्यादा अच्छी बात है। फिर तो स्पाइडी, तुम्हें पता होगा कि यार वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फिर तो स्पाइडी, तुम्हें पता ही होगा कि यार उसके 3-3 सिर हैं। अरे हाँ फ्रैंकलिन, उसके 3-3 सिर और 6-6 हाथ हैं। अरे गाइस, यार ये क्या मतलब कि यार वो स्पाइडरमैन बहुत ही ज्यादा जबरदस्त होने वाला है। सिंचन पिंचन, तुमने सुना, उस स्पाइडरमैन के 6-6 हाथ होंगे। अरे फ्रैंकलिन भैया, फिर तो हमें उसे अभी के अभी देखना है। अरे हाँ स्पाइडी, मैं भी उसे देखना चाहता हूँ, इसीलिए बताओ कि वो आ कहाँ पर आए। फ्रैंकलिन, उसका पता सिर्फ हमारे आयरन मैन को ही है और आयरन मैन ही जानता है कि वो कहाँ पर आने वाला है। अरे हाँ यार, ये बात तो मैं भी जानता हूँ। वैसे भी आयरन मैन का मेरे पास फोन आया था, लेकिन इन बेवकूफ सिंचन पिंचन ने उनका फोन उठा लिया। वैसे भाई लोग, अभी हमें जल्दी से आयरन मैन के पास जाना होगा, क्योंकि अगर हम लेट हो गए तो शायद वो जायंट स्पाइडरमैन हमारी सिटी से जा भी सकता है। तो स्पाइडी, मुझे यार तुम्हारे चॉपर की जरूरत है। ठीक है फ्रैंकलिन, तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, इसीलिए मैं तुम्हें अपना चॉपर दे रहा हूँ, लेकिन इस चॉपर का तुम ध्यान रखना। अरे हाँ स्पाइडी, तुम इसकी टेंशन मत लो। तो चलो सिंचन पिंचन, अभी हम चॉपर में चलते हैं। अरे फ्रैंकलिन भैया, स्पाइडरमैन का ये चॉपर तो बहुत ही ज्यादा मस्त है। अरे हाँ सिंचन पिंचन, वो मुझे मालूम है, लेकिन अभी तुम जल्दी जल्दी से यहाँ पर आओ, कहीं हम लेट ना हो जाएं। अरे ये लो फ्रैंकलिन भैया, हम तो बैठ चुके हैं। तो चलो गाइस, अभी हम आयरन मैन के पास जा रहे हैं और ये बेवकूफ सिंचन पिंचन देखो कहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन कोई नहीं यार, अभी हमें जल्दी से आयरन मैन के पास जाना होगा, कहीं यार हम आयरन मैन के पास जाने में लेट ना हो जाएं। अरे फ्रैंकलिन भैया, अगर हम आयरन मैन भैया के पास जाने में लेट हुए तो हम आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। अरे अगर हम लेट हुए तो मैं ही तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारी वजह से यार हम इतने ज्यादा लेट चल रहे हैं। तो चलो गाइज, अभी हम आयरन मैन के घर पर भी आ चुके हैं और अभी हम यहाँ पर ही लैंडिंग कर लेते हैं। तो चलो सिंचन पिंचन, तुम भी यहाँ पर जल्दी जल्दी आ जाओ। तो ये लो गाइज, हम आयरन मैन के घर पर भी लैंड कर चुके हैं और हमारा आयरन मैन यहाँ पर टेनिस कोर्ट के अंदर ही है। तो चलो अभी हम यहाँ पर आते हैं। अरे टोनी, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे फ्रैंकलिन, अच्छा हुआ तुम यहाँ पर आ चुके हो, मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अरे हाँ टोनी, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? अरे फ्रैंकलिन, हमारी सिटी में जायंट स्पाइडरमैन आने वाला है, मैंने उसके सभी इंतजाम कर दिए हैं, लेकिन अभी मुझे बाहर जाना होगा, इसीलिए अभी तुम्हें ही उसे मैनेज करना है। अरे हाँ यार, ये तो मैं जरूर कर दूंगा। वैसे भी यार, अभी मैं जायंट स्पाइडरमैन से मिलने जा रहा था, तो अभी मुझे जल्दी से ये बताओ कि वो आने कहाँ पर वाला है। अरे फ्रैंकलिन, वो हमारे लॉस सैंटोस के बीच पर आने वाला है और मैंने उसे वहीं पर ही बुलाया था, इसीलिए तुम जल्दी से जाओ, कहीं वो गुस्सा ना हो जाए। अरे टोनी, तुम उसकी टेंशन मत लो और तुम भी मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें रास्ते में छोड़ दूंगा। तो चलो गाइस, अभी मैंने टोनी स्टार को गाड़ी में बिठा लिया है। सिंचन पिंचन, तुम भी यहाँ से कोई गाड़ी लेकर आ जाओ। अरे हाँ फ्रैंकलिन भैया, हम भी आपके पीछे पीछे आ ही रहे हैं। तो चलो गाइस, अभी मैंने टोनी स्टार को भी अपने साथ बिठा लिया है और टोनी स्टार की ये गाड़ी क्या ही ज्यादा जबरदस्त लग रही है। वैसे इसकी स्पीड भी अच्छी खासी है और इस स्पीड के साथ हम कुछ ही सेकंड में हमारे बीच पर भी पहुंच जाएंगे। तो चलो अभी हम जल्दी से बीच पर चलते हैं। लेकिन गाइस, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार एक बार जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करोगे हम सीधा बीच पर ही पहुंच जाएंगे। तो यार इसीलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ये देखो गाइस, मैंने आपको बोला था कि आप जैसे ही चैनल को सब्सक्राइब करोगे हम बीच पर आ जाएंगे, और हमारा स्पाइडरमैन भी यहाँ पर आ चुका है। गाइस, इसका साइज कितना ज्यादा जायंट है। और हमारे सभी एवेंजर और ये सिंचन पिंचन भी यहाँ पर आ चुके हैं, और ये स्पाइडी देखने में क्या ही जबरदस्त लग रहा है। सिंचन पिंचन, ये देखो हमारा स्पाइडरमैन क्या जबरदस्त लग रहा है। गाइस, आप हमारा साइज कंपैरिजन देख ही सकते हो, मैं तो इनके पैरों जितना भी बड़ा नहीं हूँ। हेलो स्पाइडी, क्या तुम हमारी आवाज सुन पा रहे हो? हाँ फ्रैंकलिन, मैं तुम्हारी आवाज सुन पा रहा हूँ। अरे यार, मुझे लगता है कि ये हमसे ही बातें कर रहे हैं। स्पाइडी, क्या तुम जानते हो, हम तुमसे मिलने के लिए यार काफी ज्यादा एक्साइटेड थे और हमें यहाँ पर आने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल लगी है। थैंक यू फ्रैंकलिन, तुम मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आए हो, मैं तुम सबसे दोस्ती करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं भी लॉस सैंटोस में आया हूँ। ये देखो मैं कितना ज्यादा बड़ा हूँ और मेरे 6-6 हाथ भी हैं। अरे हाँ गाइस,
प्लीज यार। वैसे ये स्पाइडी देखने में बहुत ही ज्यादा जबरदस्त लग रहा है। अरे स्पाइडी, क्या तुम हमें यार अपनी पावर दिखाओगे? अरे हाँ फ्रैंकलिन, मैं तुम्हें अपनी पावर जरूर दिखाऊंगा, लेकिन गाइस उससे पहले अगर आपने मेरे लिए कमेंट में ओपी स्पाइडरमैन नहीं लिखा है तो जल्दी जल्दी से कमेंट में ओपी स्पाइडरमैन लिख दो, फिर मैं आपको अपनी पावर दिखाऊंगा। अरे गाइस यार, हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए यार अगर आपने अभी तक कमेंट में ओपी स्पाइडरमैन नहीं लिखा है तो यार एक बार जल्दी जल्दी से कमेंट में ओपी स्पाइडरमैन लिख दो, फिर ये स्पाइडरमैन हमें अपनी पावर भी दिखाएगा। तो चलो स्पाइडी, हमारे सब्सक्राइबर कमेंट में ओपी स्पाइडरमैन लिख रहे हैं, तो चलो अभी हमें अपनी पावर दिखाओ। तो ठीक है फ्रैंकलिन, ये देखो मेरा साइज कितना ज्यादा जाइंट है और मेरे आगे तुम सभी कितने ज्यादा छोटे हो। वैसे यार ये बात तो बिल्कुल ही सही है। और गाइस, जब ये स्पाइडरमैन चल भी रहा है तो कैसे सभी चीजें हवा में उड़ रही है। अभी यहाँ पर ये गाड़ी देखो, हमारा स्पाइडरमैन इतनी बड़ी बस को भी कितनी आसानी से उठा सकता है। वैसे यार ये इसके सामने बिल्कुल बच्चे के जैसे लग रही है। और ये स्पाइडी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। गाइज, आपको हमारा ये जाइंट एवेंजर कैसा लगा जल्दी जल्दी हमें कमेंट में बताओ। और वैसे तो यार अगर मैं सच बताऊँ ना तो मुझे इसकी कॉस्ट्यूम बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, और इसके ये पीछे जो चार हाथ लगे हुए हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। अभी मैं पानी में कूदता हूँ और मैं आपको दिखाता हूँ कि यार जब हमारा ये स्पाइडरमैन पानी में जाता है तो कैसा लगता है। यार ये पानी तो हमारी कमर तक भी नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी अभी हम यहाँ पर आते हैं। चलो गाइस, एक बार हम एयरपोर्ट पर भी चलते हैं और अगर वहां पर कोई भी हेलीकॉप्टर होगा तो हम उस पर अपनी पावर टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी मैं यहां पर आता हूं और यहां पर हमारे लायक कुछ है या फिर नहीं है। वैसे यहां पर ये एरोप्लेन तो यार डमी है, लेकिन गाइस हमारे सामने अभी एक फुल साइज एरोप्लेन आ चुका है। अभी मैं इसे पकड़ता हूँ और अगर हमारे स्पाइडरमैन ने इसे पकड़ लिया, यार मैं तो बोल ही रहा था और हमारे स्पाइडर ने इसे पकड़ भी लिया। ये काफी ज्यादा भारी है, लेकिन हमारा स्पाइडी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। इसने इसे कितनी आराम से पकड़ लिया है। शिट, ये अभी पूरी तरीके से ब्लास्ट हो चुका है। और गाइस, आप इसका हाल देख ही सकते हो कि इसका हाल कैसा है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है जब हमारे सभी अवेंजर इस स्पाइडरमैन से फाइट करे तो इस फाइट में कौन जीतने वाला है? वैसे मेरा वोट तो यार हमारे अवेंजर्स की तरफ है, क्योंकि सभी अवेंजर्स हमारे दोस्त हैं। लेकिन आप हमें ये बताओ कि इस फाइट में कौन जीतने वाला है। और अगर आप इस वीडियो का अगला पार्ट देखना चाहते हो तो यार जल्दी जल्दी से कमेंट में पार्ट 2 लिख दो, क्योंकि इस वीडियो का अगला पार्ट बहुत ही ज्यादा ओपी होने वाला है। और हम ब्रिज पर आ चुके हैं और ये ब्रिज भी कितना ज्यादा छोटा है। हमारा स्पाइडी यार क्लाइंब करते इसके ऊपर चढ़ चुका है। इसलिए गाइस, अगर आप इस वीडियो का अगला पार्ट देखना चाहते हो तो यार एक बार जल्दी जल्दी से कमेंट में पार्ट 2 लिख दो, और अगर आप बोलोगे तो मैं इस वीडियो का अगला पार्ट भी लाने वाला हूँ। इसीलिए यार अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लो, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।